types of relationship or more entities identify and define with attributes the participants. अच्छा बेटा, ये ज्यादा चीज रीडिंग वाला काम आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, ठीक है? ओके. और रिलेशनशिप क्या होता है कि दो एंटिटीज के दरमियान कोई इंट्रैक्शन हो, ठीक है, रिलेट कर दिया जाए तो वो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इंट्रैक्शन का मौजूद होना वो रिलेशनशिप होता है. और रिलेशनशिप इज एनी एसोसिएशन, एसोसिएशन एसोसिएट और वो जो है इंट्रैक्शन वही चीज है, ठीक है, लिंक और कनेक्शन बिटवीन द एंटिटीज ऑफ इंस्टेंस टू द बिजनेस. यानी बिजनेस जरूरी नहीं है कि बिजनेस भी हो, ये सिंपल है कि उनके दरमियान कोई ना कोई इंडक्शन हो, कोई लिंक हो, कोई एसोसिएशन हो, ठीक है, किसके दरमियान, एंटिटीज के दरमियान, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप कहलाएगा. एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है और ये क्लासरूम है, तो ये क्या होगा कि दो, ये क्लासरूम है, ठीक है, ये दो चीजों के दरमियान इंट्रैक्शन है. लेकिन ठीक है, ये सेल्फ इटसेल्फ होगी, ये इटसेल्फ इंट्रैक्शन होंगे, ठीक है, इटसेल्फ इंट्रैक्शन होगी, ठीक है, और दूसरी एंटिटीज के दरमियान एसोसिएशन होना, तो ये आपकी क्या होगी, किसी दूसरी एंटिटी से इंट्रैक्शन, ठीक है, खुद से होना, इट सेल्फ किसी या फिर किसी दूसरे से होना, दो ही अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है. और उसके अलावा दो चीजें होती है इसके अंदर, एक होता है रिलेशनशिप होते हैं ये, बल्कि आगे आके आ जाते हैं. रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. रिलेशनशिप बताता है कि क्या कौन सी एसोसिएशन है दोनों के दरमियान, ठीक है. एम्प्लॉइज आर असाइन टू प्रोजेक्ट, तो असाइन करना क्या है, ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है. प्रोजेक्ट हैव सब टास्क, डिपार्टमेंट्स मैनेज वन और मोर प्रोजेक्ट. रिलेशनशिप आर द कनेक्शन इंट्रैक्शन, ये डेफिनेशन है बेटा, अगर सीधी सीधी डेफिनेशन इसकी याद, कनेक्शन बिटवीन द एंटिटीज, एंटिटीज इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि आप रेलिवेंट चीज को ले लें, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिंपल होता है कि रेलिवेंट चीज की तरफ फोकस करना और इरेलिवेंट का हाइड कर देना, ठीक है, इरेलिवेंट को हाइड कर देना, वो चीज होती है एब्स्ट्रैक्शन. और फिर रिलेशनशिप, सेट ऑफ रिलेशन की इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इन एंटिटीज इनरोल्ड इन अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स, यानी जो एंटिटीज पार्टिसिपेट करती है रिलेशनशिप में उसे पार्टिसिपेंट कहते हैं, सिंपल, ठीक है, जो एंटिटीज रिलेशनशिप के दरमियान पार्टिसिपेट कर रही है उन्हें पार्टिसिपेंट बोलते हैं. नेमिंग रिलेशनशिप, नेमिंग की चीजें आपने पहले भी पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी ईएमपी करके आप क्या करते हैं, आईडी कैपिटल आईडी भी लिख सकते हैं या ठीक है सकते हैं, दो तीन जो है इसके रूल्स हैं, इसके अलावा बाकी सिंपल ये वही चीजें. एंटिटी की डेफिनेशन आप लोग बहुत दफा कर चुके हो, एंटिटी सेट क्या होता है, इंस्टेंस क्या है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हैं पीछे, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, जिसको नहीं आती है वो पीछे से रिवाइज कर ले अपना लेसन, सिंपल. उसके बाद ये एंटिटी है, ठीक है, एंटिटी है एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स क्या है, उसका SSN है. अब ये चीज मुझे नहीं पता ये किस चीज की एब्रीवेशन है SSN, ठीक है, उसको कोई ना कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, आईडी होगी, इसके अलावा और एट्रीब्यूट्स बन सकते हैं, कोई और बता सकता है एम्प्लॉय के और क्या एट्रीब्यूट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं वैसे, ठीक है, ओके. नेक्स्ट है उसका रिलेशनशिप आपस में क्या था कि एम्प्लॉय वर्क करता है, ठीक है, वर्क करते हैं एज अ ये मैनेजर का उसने बता दिया, यानी इटसेल्फ उसने एक चीज बता दी है, ठीक है. एंटिटी सेट ऑफ रिलेशनशिप नीड टू बी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होता है किसी चीज का डिफरेंस होना. लेबल सिंपल है बेटा, ये चीजें एंटिटीज एट्रीब्यूट्स और ये सारी चीजें आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसके अंदर से आपने खुद एक्सट्रैक्ट करनी होती है. और ये कैसे करनी है, अगर किसी का बच्चे का नहीं भी है ना, वो प्रैक्टिकल की नहीं है, तो हैंडआउट्स कोई बच्चा शेयर कर दे, इसके सॉरी लैब जो है उसके अंदर स्टेटमेंट पढ़ के, तो आप उसके अंदर दिए हुए अगर प्रैक्टिस करें तो इनफ है करने के लिए. सिंबल्स ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिए आप कौन सा यूज कर रहे हैं, ये डायमंड की शेप जो होती है वो यूज कर रहे हैं. एंटिटी के लिए, वीक एंटिटी के लिए कौन सी चीज यूज करते हैं, जल्दी से बताएं, वीक एंटिटी के लिए.
और एट्रीब्यूट के लिए क्या यूज करें, एंटिटी क्या है, रिलेशनशिप दरम्यान में क्या करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है इसके एट्रीब्यूट्स कैसे निकालते हैं। जिसे ये पता है उसे तो ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो बासानी पेपर कर सकता है इसका, ठीक है। डायमंड सिंपल वही है जो आपकी ये जो शेप होती है, ठीक है। डायमंड इज डबल इफ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑन एन अदर, अगर किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा तो डायमंड भी, वो सेम वीक वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट होती है तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है, अगर डिपेंडेंट होगी तो वो वीक एंटिटी कहलाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही उसने रिलेशनशिप का भी बता दिया कि रिलेशनशिप जो डायमंड का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि अगर वो किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डायमंड तो उसकी लाइन क्या होगी, डबल हो जाएगी, ठीक है, ये चीज उसने बता दी है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड बाय कंटिन्यूस लाइंस, अगर वो कंटिन्यूस लाइन से कनेक्टेड है लेबल टू इंडिकेट कॉर्डिनलिटी, तो कॉर्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो कॉर्डिनलिटी कहलाती है उसकी। इन पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप रोल्स आर रिटन ऑन द लाइन कनेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स, ओके, टोटल पार्टिसिपेंट्स इज इंडिकेटेड बाय डबल लाइन, ओके। ये चीजें नीचे बल्कि ना इसके बने होंगे वो सिंपल, ये देखें, अगर ये डिपेंड करता है तो फिर क्या होगा, ये डबल लाइन से होगा और ये वीक एंटिटी है और ये क्या है, एक एंटिटी है, ठीक है, ये एंटिटी है, ये वीक एंटिटी और ये वीक रिलेशनशिप है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे आके ये चीज जो कॉन्सेप्ट ऊपर बता रहा था ना, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पे क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये अपने एक एंटिटी वन का होगा, इसके रिलेशन, इसके अलावा रिलेशनशिप होता है वन टू मैनी का, ठीक है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप, ठीक है, और एक होता है मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। अब इसके अलावा भी आ जाते हैं, ऑप्शनल भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, ऑप्शनल भी आ जाता है और मोनोडेटरी भी आ जाता है, ये दो तीन रिलेशनशिप और होंगे आपके। लिंक्ड एंटिटी टाइप लिंक्ड विद इटसेल्फ, जो अपने आप के साथ रिलेशनशिप होगा इस कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप, उसे रिकर्सिव रिलेशनशिप कहेंगे, जिसका एंटिटी का अपने साथ ही रिलेशनशिप हो, ठीक है, वो रिकर्सिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट एग्जांपल ये सेम उसी की, एक पर्सन की एग्जांपल दी हुई है और एक स्टूडेंट की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, ये रूममेट की है और दूसरी आपकी जो है स्पॉन्सर्स की है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड। नेक्स्ट है बाइनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप के अंदर कितनी एंटिटीज यूज होंगी, टर्नी होगी उसके अंदर थ्री, एक एन एरे होगी उसके अंदर मोर देन थ्री, ठीक है, मोर देन थ्री जो कि एन एरे होती है, फिर एन एन रिलेशनशिप जो होता है आपका, ठीक है। बाइनरी के अंदर दो एंटिटीज है, वन डॉट लिंक टू टू एंटिटी सेट्स लाइक स्टूडेंट क्लास, ये बेटा अंडरस्कोर से ज्वाइन किया होता, अगर जो है वो एम स्पेस देके नहीं लिखते हैं, ठीक है, दो चीजें ऐड कर दी हैं, बस स्टूडेंट और स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास, ठीक है। स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, यानी कि क्लास एक है और अच्छा ये चीज देखिएगा, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है तो मैनी किस साइड पे आएगा, यहाँ इस साइड पे आएगा, मैनी का रिलेशनशिप कुछ इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे वन आएगा, यानी इसका रिलेशनशिप इस साइड पे शो किया जाता है, इसका रिलेशनशिप इस साइड पे शो किया जाता है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है, मैनी वैसे, यानी कि क्लासेस के हिसाब से डिपेंड करता है आपकी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। टर्नरी रिलेशनशिप के अंदर तीन होंगी, ठीक है, थ्री जो एंटिटीज है वो इन्वॉल्व होंगी, सिंपल। टर्नरी रिलेशनशिप इज वन डेट इन्वॉल्व थ्री एंटिटीज, इसके अंदर तीन एंटिटीज हो, ठीक है, ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है चारों तरफ, ठीक है। क्वांटिटी शेप्स, वेंडरोज का जो है रिलेशनशिप है, या फिर वेयर हाउस का, या फिर पार्ट का, तीनों का आपस में जो है मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है, मैनी टू मैनी का, इसका भी मैनी टू मैनी का है, इसका वन टू मैनी का है, ठीक है, ये वन टू मैनी का है। क्वांटिटी मैनी होगी, पार्ट वन होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, सामने वाले के साथ जो है वो रिलेशनशिप दिखा रहा होगा, एन का साथ, इसे एन का सिंपल है मोर देन थ्री, जिसमें होंगी वो जो है एन एरे रिलेशनशिप होगा, मोर देन थ्री रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप इज द नंबर ऑफ एंटिटीज, जो नंबर ऑफ एंटिटीज उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, विच अनदर एंटिटी कैन मैप अंडर द रिलेशनशिप, जो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है ना उसे जो है आप कार्डिनलिटी बोलते हो, अगर थ्री है तो थ्री, थ्री इन्वॉल्व है तो थ्री है, फोर है, फोर इन्वॉल्व है तो फोर है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये सिंबल्स याद करने वाले हैं, ये जहन में बिठा लीजिएगा, जिसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे वीक हुआ उसके क्विज में से मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। या फिर आपसे जो अगर नेम पूछ लेता है तो नेम आपको मेंशन करने पड़ेंगे, यानी ऑप्शन, ऑप्शनल वन का रिलेशनशिप है मोनोडेटरी, मोनोडेटरी के लिए ऑप्शनल के लिए आप जो है ना ये जीरो वाला सिंबल यूज कर रहे होते कुछ ये इस तरह से, ठीक है। ऑप्शनल मैनी, मैनी के लिए आप सिंपल ये यूज करते हो, ठीक है, वन टू ये मैनी, ये मैनी का है, ठीक है, ये जो है आपका वन का रिलेशनशिप है, और मोनोडेटरी के लिए आप दो दफा यही लाइन लगा देते हो।
काम नहीं, अगर ये याद है तो ये सिंपल पढ़ने वाला काम है, ये पढ़ना ना तो छोड़ दो ठीक है। वन टू वन मैपिंग यानी सिंगल सिंगल जो आपस में रिलेशन जी पे, वो वन टू वन है ठीक है। वन टू मैनी है कि यानी एक से ज्यादा के साथ एक का दूसरे रिलेशन जी पे ठीक है, वन की मैपिंग है ठीक है। आगे जी वन टू मैनी तो सिंपल है कि इसी को जो है आप इसी कॉन्सेप्ट को उल्टे इधर ले जाओ, ये इस रिलेशनशिप हो जाएगा ठीक है। ये चीज ध्यान में रख के देख लीजिए कि आपके और राइट साइड पे आपके मैनी ही मैनी रिलेशनशिप है ठीक है। अगर आपके लेफ्ट साइड पे मैनी वन आ जाए और राइट साइड पे मैनी आ जाए तो फिर ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप कहलाएगा ठीक है। ये सिंपल बल्कि ये रहा वन टू मैनी का रिलेशनशिप, आपस में अटैचमेंट होना मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है लेंथ, तो कॉर्डिनलिटी की टाइप्स आगे दी हुई है इसमें, ये तीन चार चीजें इजी है बिल्कुल। ये कहते हैं तो पढ़ा दूं, ये जैसे आपकी क्लास है, ये आप स्टूडेंट है तो एक क्लास के अंदर मैनी स्टूडेंट होते हैं, ऐसे ही एक क्लास मैनी स्टूडेंट होते हैं ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लर्निंग का जो है आप रिलेशनशिप बना लें लर्न का ठीक है, और ये आप क्या कर लें तो स्टूडेंट मैनी होते हैं तो ये इस साइड पे शो करने हैं मैनी, और ये क्लास है तो क्लास आपने यहाँ पे शो करनी है। समझ आ गई है? ये चीज ध्यान में रखिएगा, सामने वाले को शो करवा रहे होते हैं इस साइड पे हो, ये क्लास है ना ये स्टूडेंट है ठीक है। एक क्लास के अंदर ज्यादा जी स्टूडेंट होते हैं ना, क्लास तो एक ही होती है ना, स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो मैनी का जो वो है वो क्लास के साथ अटैच करना है, क्लास के साथ ठीक है। सही ये देखें ये रिलेशनशिप ओके है, मैम ये रिलेशनशिप है, ये सामने वाले के साथ अटैच करके आपने ये लिखते हैं। यहाँ पे आके बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं तो फिर मार्क्स भी माशाल्लाह, फिर वो जो बजाय वो उसे बच्चे को होता है कि मेरा 100% ठीक था, मार्क्स 10 आएंगे, और रिलेशनशिप वो गलत अटैच करके आता है तो फिर वो ये हो जाता है, ये वन वाला रिमूव हो जाता है ठीक है। ये स्टूडेंट है ठीक है, और ये आपकी मैंने बताई है क्लास, स्टूडेंट मैनी है तो मैनी आपने इस साइड पे शो करवानी है ठीक है, यानी स्टूडेंट मैनी है और क्लास वन है। ऑप्शनल के लिए अगर क्लास ऑप्शनल है तो आप यहाँ पे सर्कल लगा देते हो छोटा सा ठीक है। और ये आप कहाँ से यूज कर रहे होते हो, अगर आप वर्ड पे बना रहे हो तो वो ओवल लाइन होती है जो लाइन आप अटैच कर रहे होते हो ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ऑफ एंटिटीज शामिल होती है वो कार्डिनलिटी होती है, आपके रोल इन एआर डायग्राम मॉडल, एक्सप्रेशन क्या है, डिपेंडेंसी क्या है, एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसी इन, ये इसमें से आप पढ़ लेते हैं, आप रहने देते हैं मिनिमम कार्डिनलिटी। ये मैंने इसे अंडरलाइन भी नहीं किया, एक मिनट देख लें। ओके वही चीज है आपकी ऊपर वाली, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है यहाँ पे, यानी स्टूडेंट क्या है, बुक बुक कुछ ऑप्शनल भी हो सकती है तो इसलिए ऑप्शनल मैनी ऑप्शनल का रिलेशनशिप है ठीक है। वन टू मैनी ऑप्शनल यानी कि दोनों साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है। स्टूडेंट जो रीड करता है, लाइक स्टूडेंट रीड करता है, ये रिलेशनशिप है रीडिंग का, क्या रीड करता है, बुक रीड करता है। तो अब वो ऑप्शन कुछ अगर सब्जेक्ट ज्यादा लगा दे तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि ऑप्शनल है ये ठीक है रीड करना ठीक है। इम्प्लॉय के लिए प्रोजेक्ट करना, मॉनिटर बनाना एक एम्प्लॉय के लिए, एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो असाइन किए जा सकते हैं, यानी ऑप्शनल है, एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शनल लगाया है, यानी मैनी टू वन का डेट ही, यानी लाजमी है कि प्रोजेक्ट तो उसे साइन करना ही करना है ना, इम्प्लॉय तो है, अगर इम्प्लॉय है किसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए आया है तो उसे कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो मिलेगा ना, ये तो लाजमी बात है ठीक है। साइन किए हैं वो एक भी हो सकते हैं, एक से मैनी भी हो सकते हैं और वो ऑप्शनल भी मैम हो आवाज सकते नहीं आ हैं, रही। ऑप्शनल उन्होंने लिखा हुआ है ठीक है। ऑप्शनल कोर्स जाहिर सी बात है स्टूडेंट ही जो चूज कर रहा था, ये मैनी स्टूडेंट्स होते हैं जो मैनी कोर्सेज मैनी का रिलेशनशिप बनाए, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट को एक ही जो कोर्स है चूज करने के लिए दिए जाए
ठीक है, ये वाली। अगर वो मॉनिटरी कर दें तो आप दो लाइंस लगाएंगे, यानी मॉनिटरी है ये। फिर ये ऑप्शनल और मैनिंग वाली का ये बटा रट्टा ना लगाइएगा इसे, ये कॉन्सेप्ट लेना ऑप्शनल का। रिलेशनशिप था स्टूडेंट और कोर्स में, और मैं भी यही लगा के चाहता हूँ। जो वो स्टेटमेंट देगा उस स्टेटमेंट को देखते हुए आपने लगाना है कि आया कि ये मैनी का रिलेशनशिप है या फिर 1-to-1 का रिलेशनशिप है। ठीक है, ये चीज आपने प्रैक्टिस से सीखनी है, अदरवाइज ये नहीं आएगी। ये देख ले डायग्राम शेप एडजेसेंट स्टूडेंट एंटिटी, ये वही चीज है, वही चीज नहीं है इसके अंदर। ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये शॉर्टकट है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें से कोई चीज हमने हाईलाइट करनी हुई थी, ये मैं सुबह आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा दूंगी। ठीक है, फिलहाल मैंने कोई चीज हाईलाइट नहीं की हुई है इसमें से। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही। एम से रिलेशनशिप, एक तो वो था जो आप साइन शो करवा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे वन के लिए आप वन, और मैनी के लिए आप ये वाली शेप, वो साइन यूज कर रहे थे। अगर वो नहीं करना है तो फिर ये जो दूसरे ऑप्शन पे उन्होंने लिखने के लिए, टाइप करने के लिए दिया हुआ, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये वही रिलेशन, वही है मैनी टू मैनी का, ये वही जो है एग्जाम्पल है जो मैंने आपको ऊपर करवाई है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, 1-to-1। और ये नेक्स्ट आ जाते हैं डॉटेड डॉट बेस्ड नोटेशंस। ठीक है बेटा, इससे आगे ना जो ये सुबह दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेंगे इसमें से कुछ चीजें। ज्वाइन करना हो सुबह से है या फिर जिस पे भी करना चाहिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।